मशरक पीएचसी में शुक्रवार को मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सैकड़ों गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। विशेष अभियान को लेकर पीएचसी अस्पताल परिसर में आकर्षक तरीके से बैलून और गुलदस्ते से सजाकर स्टॉल लगाए गए। गर्भवती महिलाओं को जाँच कर उन्हें सारी बातों की जानकारी दी गई, जो गर्भधारण से लेकर सुरक्षित प्रसव तक सावधानी बरती जाती है। पीएचसी प्रभारी डॉक्टर अनंत नारायण कश्यप ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। रूटीन इलाज को छोड़कर इस अभियान के तहत अब गर्भवती महिलाओं का सुरक्षित प्रसव कराया जाता है। शिविर में द्वितीय एवं तिमाही गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। शिविर में जांच किए गए 100 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं में हीमोग्लोबिन, बीपी व अन्य प्रकार की कमी पाई गई, जिन्हें समुचित दवा, आयरन की गोली, कैल्शियम और पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी गई। रिलायंस टीवी के लिए मशरक से संतोष कुमार की रिपोर्ट। जांच किया गया, कितना 38 महिलाओं को जांच किया गया गर्भवती का, और उनको हरी साग सब्जी खाने की सलाह दी गई, आयरन कैल्शियम खाने का सलाह दिया गया। क्या आपका नाम हुआ? गीता देवी। ए नेम है जी? मैं पूजा मणि कुमारी हूँ, मैं जी ए नेम है। यहाँ ANC का कैंप लगता है 9 तारीख को, और यहाँ पर जांच होता है, पेट का जांच होता है, बीपी, हाइट, वेट, ये सब और बताया जाता है। जो एनेमिक है, HIV जांच भी होता है, जो एनेमिक है उसके बारे में बताया जाता है कि क्या क्या खाना है, ये सब के बारे में उसको बताना है, और दवाई लिखाता है लेना है।